हाय गाइस, वेलकम टू लाइफ टू लिव। आज मैं करूँगी अपना यूट्यूब बैकग्राउंड के लिए वॉल डेकोरेट। वहाँ पे यहाँ पे डेकोरेट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा दिखना चाहिए। तो हमारे पास ये चार पेपर्स हैं, कुछ स्क्रैप बुक्स हैं और फेविकॉल है, और ये है पेपर स्टिक्स है, बस कुछ फेविकॉल है, सीजर्स हैं। और अब हम बनाने जाएंगे बिना किसी का बैठा। और यहाँ जैसे नहीं, ये मैंने कुछ एक दुपट्टा मांगा, मुझे बहुत दरकार पड़ी मेरे को, बर्बाद नहीं होगा पर ऐसे थोड़ा सा तो हो गया। तो कह रहे हैं हम इस दुपट्टे को ऐसे बीच से बांधेंगे। मैं कितने अच्छे से बता रही हूँ, मैं फिर से खराब तरीके से बताऊंगी। मतलब कुछ भी। हाँ, तो ये हमारे पास इतना बड़ा सा एक दुपट्टा है रेड कलर का। तो मेरे यूजुअली रूम में आपको रेड, वाइट और ब्लैक कलर की चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि तीनों मेरा फेवरेट कलर है। तो मैं इसको इसलिए रेड कलर में लाई, और इसको अभी हम लोग यहाँ से ये बीच से इसके बांध लेंगे ऐसे ऐसे। और ये फिर हो गया कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से बन गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। अब हम लोग इसको यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे बांध देंगे ऐसे ऐसे। उसके लिए मैंने ये अपने पर्दे के लिए बनाया था, तीन रिबन्स को लेके, जैसे हम लोग अपनी चोटी बनाते हैं, शायद दिख रहा हो, वैसे मैंने इसको बना दिया था पर्दा बांधने के लिए अपने रूम का। पर अब मैं इसको यहाँ यूज़ करती हूँ। एक और लेके आ जाए तो ये बन गया हमारा ऐसे बेकार सा सेटअप, कुछ बॉर्डर टाइप में, जो कि मैंने पहले सोचा था कि मैं दीवार पेंट कर दूँ, फिर मुझे याद आई पापा की कुछ और मम्मी की कुछ गालियाँ, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी सफ़ेद दीवार को सफ़ेद ही रहने देते हैं। सफ़ेदी के आगे निर्मा, और निर्मा के आगे पता नहीं क्या, और उसके आगे ये दुपट्टा लगा देते हैं। अब हमारे पास है ये ब्लैक चार्ट पेपर और कुछ स्क्रैप बुक्स में कलरफुल शीट्स, उसको हम लोग अलग अलग साइज़ के स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स में कट करेंगे। और ये हमारा कट गया एक रेक्टेंगल, और ये हमारे पास कुछ, मतलब मेरे पास कुछ ऐसे स्पार्कल टाइप में शीट्स हैं, फोम शीट्स, बहुत सालों पहले से रखे हुए हैं। तो मुझे क्राफ्ट वगैरह का काफ़ी शौक था, तो मैं ऐसे कुछ करती रहती थी, तो मुझे अच्छे लगे थे तो मैं खरीद ली थी। तो इसको हम लोग इसका एक फ्रेम टाइप में बॉर्डर बना के और इसको इसके साइड में लगा देंगे। दिखाती हूँ मैं कैसे। तो ऐसा कुछ बना, और ऐसे ही बनाना था, मतलब ब्लैक कलर का अंदर, या फिर अंदर कलर्स भी अलग हो सकते हैं, और ये निकल देना, अंदर कलर्स भी अलग हो सकते हैं और बाहर थोड़ा स्पार्कल टाइप में। और सब को हम लोग अलग अलग कलर्स के काफ़ी सारे बना लेंगे। आप लोग चाहें तो उसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं, मैं ऐसे ही पेस्ट करने वाली हूँ। ये रहे मेरे सारे पता नहीं क्या, और इसको हम लोग इस पर यहाँ पे लगाएंगे एक एक करके।
ये हमारे थोड़े बहुत लग गए हैं और हम इसके आगे हम ये पेपर स्टिक्स जो भी किसको कहते हैं वो चिपकाएंगे। ये रेडी हो गया है। तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया, मेरी तो अमानत ही ढह गई पूरी। नो 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 मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। जब मेरी पूरी अमानत ढह गई तो फिर मुझे आइडिया आया कि अब मैं थोड़ा सा और कलाकारी करके पहले वाले के जैसे थोड़े और फ्रेम्स और फिर थोड़े और फूल्स बना के, मतलब थोड़े और फूल बना के उस पर लगा सकती। बन गया है मेरा बैकग्राउंड। और अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा बैकग्राउंड अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। बाय। मैं तो बहुत मेहनत लगी है यार बनाने में।